नैनो टेक्नोलॉजी में हम उन मटेरियल्स के साथ डील करते हैं जिनकी साइज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होती है, पर ड्रग डिलीवरी के लिए हम लोग 10 नैनोमीटर से ऊपर का ही नैनो पार्टिकल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 से नीचे का अगर कोई नैनो पार्टिकल होगा उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। और नैनो पार्टिकल किस लिए यूज करते हैं? एज ए कैरियर मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग, ठीक है, ड्रग को कैरी करने के लिए एज ए कैरियर यूज करते हैं लोग नैनो पार्टिकल को। बट अगर 10 से छोटा नैनो पार्टिकल हो जाएगा ना, तो उसकी उसकी जो डिलीवरी होगी वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो एक नॉर्मल सेल होता है ह्यूमन बॉडी में उसकी एवरेज साइज जो होती है वो 30 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर, 60 माइक्रोमीटर, ऐसे एवरेज साइज होती है। तो एक अगर नैनो पार्टिकल है, एक नैनोमीटर है, उसकी साइज क्या होती है? 1 नैनोमीटर = 10^-3 माइक्रोमीटर, कितना ज्यादा छोटा हो गया सर से, ठीक है। तो अगर नैनो पार्टिकल 10 नैनोमीटर से नीचे हुआ तो उसकी जो डिलीवरी होगी वो अनकंट्रोल्ड होने लगेगी, वो कहीं भी जहां उसको रास्ता मिलेगा वहीं चला जाएगा। तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, इसलिए वो कहीं भी चला जाएगा, इसलिए हमारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक हो जाता है। तो टॉक्सिक नैनो पार्टिकल्स हम लोग को यूज नहीं करना है, टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करनी है हमें, उससे एक ड्रग डिलीवरी करानी है नैनो पार्टिकल से। इसलिए हमेशा उसको सिग्निफिकेंट साइज होना चाहिए, वो 20 नैनोमीटर का होना चाहिए, 30 नैनोमीटर का होना चाहिए, मतलब 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 से और 100 के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा नैनो पार्टिकल अच्छे से किसी भी ड्रग की या थेरापेटिक एजेंट की डिलीवरी करा सकता है हमारे सेल्स में।